हेलो, ये तस्वीर टेढ़ी मेढ़ी है, सही नहीं है। ए, मेरे माँ बाप तो नीचे सो रहे हैं, तुम ऊपर कैसे आ गई? खिड़की से आई हूँ, मेरी माँ की वजह से नाराज हो। किसी के माँ बाप को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कितना दुख हुआ मुझे जानती हो? रिलैक्स रिलैक्स, एक खुशखबरी सुनाने के लिए यहाँ आई हूँ। सुनो, तुम मेरी तस्वीर बनाकर उससे ही बातें करते रहोगे क्या? तो किससे बात करूं यहाँ? मुझसे करो। पैर दुख गया ना तुम्हारा? अपनी साड़ी थोड़ा ऊपर कर सकती हो क्या? ए, मुझे ऊपर तक बनानी है। मैं बना दूंगी, लाओ। नहीं नहीं, मैं करूंगा। अरे तुम कहाँ तक बनाओगे? आधा फीट तक करूंगा। और मैं 3 फीट तक। फिर तो तुम ही करो। ए, 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 चीटिंग है। चक्कर में डाल दिया ना। विजय, इस तरह से हंसते रहने से हमारी शादी नहीं हो पाएगी। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो ठीक है, तुम्हारे घर वाले तो मान सकते हैं ना? इससे अच्छा एक शॉर्टकट है, हम बाद की शादी कर लेते हैं। तुम इतना आसान समझते हो? अगर ऐसे करोगे तो हमारे परिवार के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सबको दुख देकर हम खुश रह सकते हैं क्या? बोलो, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? तुम मेरी माँ को मना लो ना। वो इन सब के लिए बिल्कुल नहीं मानेगी। तुम कुछ भी करो, उन्हें मना लो ना। ये तो हथियार लेकर आ रहा है, नींद से जाग गया तो इसे तो पता चल जाएगा। जब तक ये बेहोश होता है तब तक मैं इधर छुप जाता हूँ। हेलो, चोर हमारे घर में घुस आया और चोरी करके ले जा रहे हैं। कौन सी जगह पे है? अन्नमलाई की तरफ। हेलो नाना जी, आपका बेटा और साला कुछ बोरी में बांधकर लेके जा रहे हैं। कहाँ? अन्नमलाई रूट। भांजे, पुलिस। मामा, भागे कहाँ से? नहीं भांजे, फंस जाएंगे। अरे रे, ए, ये बोरी तुमने नीचे क्यों रखा है? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं रखी है इसे। क्यों भांजे, ये तूने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। ओह, मेरे बाप की कसम, मैंने नहीं रखी। ये क्या है, इसमें खोल के देखो। आओ आओ। हाँ जी, वो देख, तेरा बाप आ रहा है। अपना आदमी है, ये कब से तुम पर नजर गड़ा के रखे। चलो चलो, उठ जा, मैं आ गया हूँ। वो उस पर नहीं, हम पर नजर गड़ा रखा था, रिश्तेदार होकर भी क्या कर रहा है। भांजे चल, बोरी खोल। ओके मामा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम मॉडल में फंसोगे। और अगर बच गई तो बाहर कर देंगे। ए, हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें हत्या के इल्जाम में अंदर करूंगा। वो मर जाएंगी, ये तो साबित हो गया। सर, अब हम लोगों को जेल के अंदर डाल दीजिए, वहाँ तो शांति से रहेंगे। जेल की बातें मत करना, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। देख, रानी आ गई, मैं अपने मुंह पर ताला लगा लेता हूं। अरे अरे अंजलि, ये सब क्या हो गया? अरे वही तो, दादी माँ का खून करने की कोशिश की है तुम लोगों। चलो आंटी। ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए मामा। अरे उसके साथ साथ एक जेंटलमैन भी आ रहा है। वकील साहब, इन्हें मैटर सुनाओ। इन दोनों में से एक मुजरिम है। हाँ। सबूत मिलने के बाद साबित हो जाएगा। दावा जी, अभी साबित नहीं हुआ है क्या? हाँ। मेरा वकील सब। हाँ। साबित कर देगा। हाँ। आपको मालूम नहीं, एक नंबर का बदमाश है। हाँ। और दूसरा इससे बड़ा बदमाश है। दो मुझे, मैं उसे क्या संभालूंगा। डॉक्टर, अब ये कैसी है? अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इन्हें मारने की कोशिश की गई है, इनकी हालत बहुत नाजुक है। 24 घंटे के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ, उससे पहले कुछ भी नहीं कह सकता। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
सर इनको होश आने दो, इनका स्टेटमेंट लेना है और उन दोनों को गिरफ्तार करना है। नहीं, वे मेरे रिश्तेदार हैं, ये केस मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। सॉरी सर। ये सब क्या हो गया? वो तो अपने ही लोग थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। अंजलि, वो डीएसपी हम लोगों को अंदर करने के बारे में सोच रहा है। हाँ बहन, वो तुम लोगों की तरह घटिया इंसान नहीं है, आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना, चलो। ये क्या मामा, घर पूरा सजा हुआ है और दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है। मैं भी इस बात से कंफ्यूज हूँ, कहीं तुम्हारी अंजलि की शादी तो नहीं हो रही है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दामाद जी, तुम्हें नहीं मालूम है क्या? यानी मालूम? कल शाम को अंजलि की डीएसपी से शादी होने वाली है। इस तरह चुप क्यों खड़े हो, खुशखबरी बताओ ना। किसी भी हालत में मैं कहती हूँ शादी होनी ही चाहिए। इसकी शादी क्या? जी हाँ, अंजलि की शादी 8 बजे होगी तो मेरी बेटी की शादी 7 बजे ही होनी चाहिए। इस मुजरिम को कौन लड़की देगा? नहीं नहीं, मेरे घर वाले की मर्जी के बिना मैं शादी नहीं करूंगा। पहले बताओ इसका बाप कौन है? ये तू क्या बोल रही है? अरे मैंने इसे पैदा किया है ना, मैं तो 7 बजे तक रेडी हो जाऊंगी। हाँ तू तो 7 बजे से रेडी है, तेरी माँ 5 बजे से रेडी है और तेरा बाप हमेशा रेडी रहता है, लेकिन मैं तो रेडी नहीं हूँ ना। अरे भांजे, इसके सर पे पत्ता और कमर में हथियार है, लगता है इसका इरादा बहुत खतरनाक है। इसे बोरे में डालकर पार्सल कर देते हैं, नहीं तो हम पार्सल हो जाएंगे। पहले हम डीएसपी के घर जाकर पता करते हैं, फिर गेम बजाते हैं। तू मुझे कुत्ते की तरह क्यों बुला रहा है? मामा, जिस तरह कृष्ण भगवान ने पांडवों की मदद की थी उस तरह तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तू मुझे इतने प्यार से क्यों मना रहा है? इस केले के पेड़ को शादी का मंडप बनाने के लिए घर लेकर चलूं क्या? हाँ, केले का पेड़ ले जाओ, आम का पेड़ ले जाओ, कटहल का पेड़ ले जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो, समझे? चलो। दामाद जी, हाँ? तुम छोड़कर चले जाओगे? तेरी लड़की? तो मेरी लड़की के लटका के किल्ला ठोक दो, जाओ जा रे। मामा, क्या है? आपने मुझे डीएसपी के घर चलने के लिए कहा था और आप यहाँ लेकर आ गए, ये आपने ठीक किया क्या? तू इस समय रिश्तेदारों के घर जाने के लायक नहीं है, दिन में देखे हुए कुएं में रात में जाकर नहीं गिरना चाहिए, इसलिए सोच समझ के काम करो, एकदम लगा सो जाओ। मुझे दिन में नहीं आएगी और मुझे रात में नींद नहीं आएगी, हम दोनों की यही तो समस्या है, क्या करें? अंजलि से शादी करने के लिए मुझे और कितनी तकलीफें उठानी पड़ेगी? हाँ भाजी, जंग के मैदान में आके फौज देखकर भागने वाले में से तू है, अंजलि से तुझे शादी करनी है या नहीं करनी ये फैसला तू ही कर, चल अब सो जा। भाजी, ये क्वार्टर है क्या? अरे वो तो पिताजी पहले ही पी गए। अरे उनको क्यों दिया, मार कर फेंक देना था ना, इसी तरह देश की तरक्की करेगा क्या? अरे 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 मार डाला, मारे मेरे किसी ने होंठ काट लिए। मैं था। तुमने मेरे होंठ काटे? अंजलि समझकर मैं उसे पप्पी ले रहा था, आई एम सॉरी। क्या तूने